हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, अ सॉलिड कोन हैविंग बेस डायमीटर 150 mm एंड हाइट 150 mm इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर डायमीटर 150 mm एंड हाइट 200 mm सच दैट एक्सिस आर कोलिनियर, लोकेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू बॉटम। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। वो फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सॉलिड का क्या पोजिशन दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिक्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे दो सॉलिड दिए हैं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो सिर्फ क्वेश्चन आया था, कोई भी टाइप का डायग्राम जो है वो दिया हुआ नहीं था, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी होता है। तो इसका डायग्राम भी आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, ये ध्यान में रखो। तो हम क्वेश्चन में अगर पढ़ेंगे तो यहां पे दो सॉलिड दिए हैं, पहला सॉलिड है कोन और दूसरा सॉलिड है सिलेंडर। तो कोन और सिलेंडर किस तरह से होता है ये देखिए, ये हम आपको सबसे पहले बता रहे, कोन ये देखिए, ये ऐसा कोन होता है, ठीक है। तो कोन का बेस डायमीटर यहां पे दिया है 150 mm और इसका हाइट जो है वो भी 150 mm का दिया है। और दूसरा सॉलिड यहां पे दिया है सिलेंडर। तो सिलेंडर ऐसा होता है, ये देखिए, इसमें दो बेस होते हैं ऊपर और नीचे। ये देखिए सिलेंडर, ये ऐसा होता है। सिलेंडर का बेस डायमीटर यहां दिया है 150 mm का, ठीक है, और इसका हाइट दिया है 200 mm का। और इसका यहां पे किस तरह से प्लेस किया है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि अ कोन इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर। कोन जो है सिलेंडर के टॉप के ऊपर रखा हुआ है और फिर ऐसे कंबाइंड सॉलिड का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर हम ये दोनों सॉलिड को अगर कंबाइन करें तो दोनों सॉलिड को कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बना रहे सिलेंडर और सिलेंडर के ऊपर हमें कोन रखना है। तो ये देखिए ऐसा, ये देखिए, ये इस तरह का, ये हमने फिलहाल, ये हम आपको रफ डायग्राम बता रहे हैं, बाद में हम इसका फेयर वर्क बताएंगे। ये देखिए, ये सिलेंडर, इसके ऊपर कोन, ठीक है, इसका बेस डायमीटर 150 mm, तो इसका भी बेस डायमीटर 150 mm, इसका हाइट 200 mm और इसका हाइट 150 mm। ये इस तरह से प्लेस किया है कि दोनों का जो एक्सिस है वो एक ही रहेगा। देखो यहां पे जो कोन का एक्सिस रहेगा, कोन का एक्सिस और सिलेंडर का एक्सिस जो है वो एक ही रहेगा। इसका मतलब ये जो कोन है ये सिलेंडर के सेंट्रली ऊपर जो है वो प्लेस किया है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन के लिए डायग्राम हो सकता है। चलो अब हम इसका एक फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे फेयर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, जो हमने थोड़ी देर पहले रफ डायग्राम बताए थे बिल्कुल उसी का यूज करके हमने यहाँ पे फेयर वर्क किया है। ये नीचे सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस डायमीटर 150 mm और हाइट 200 mm, और ये सिलेंडर के ऊपर कोन है, ये कोन का बेस डायमीटर भी 150 mm और हाइट भी 150 mm, इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी शो किया है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसी के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तरीका ये है कि आप टेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में किए थे। देखो यहां पे हमने एक टेबल बनाया है, ये टेबल के थ्रू आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पूरा जो सॉल्व है वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पे एक-एक सॉलिड जो है वो अलग-अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें फिर आपको लास्ट में समेशन करना होता है। किस तरह से सॉल्व करना ये पूरा चॉइस आपका है, दोनों से जो है वो आंसर एक ही आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर या आपके प्रोफेसर जो कुछ भी आपको मेथड पढ़ा रहे, आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम यहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टेबल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहां पे एक टेबल ड्रॉ किया है और यहां पे हमने टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हैं। तो पहले कॉलम में क्या लिखना है, देखो पहले कॉलम में हम लिख लेंगे यहां पे सीरियल नंबर, ठीक है, और सेकंड कॉलम में आपको यहां पे लिखना है सॉलिड, ठीक है, थर्ड कॉलम में आपको यहां लिखना है वॉल्यूम, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है x, उसके बाद लिखना है y, फिर आपको लिखना है vx और फिर आपको लिखना है यहां vy, इस तरह से, ठीक है। और अब ये जो है, जस्ट अ मिनट, ये x और y थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि यहां पे इसका डायमेंशन भी हमें लिखना है, यहां x और यहां y। ये जो सॉलिड है ये mm में दिया है, अगर mm में दिया है तो आपको सॉल्व भी आपको mm में करना है, आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्म में दिया रहेगा आपको उसी फॉर्म में सॉल्व करना है। तो यहां पे ये सब कुछ mm में दिया है, तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम जो है वो mm क्यूब में निकलेगा, तो यहां पे हम लिख लेंगे mm क्यूब
वॉल्यूम जो है वो एमएम क्यूब में निकलेगा, एक्स एमएम में निकलेगा, ठीक है, वाई ये भी एमएम में निकलेगा, देन वी एक्स जो है वो एमएम टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एमएम क्यूब इंटू एमएम, इट मीन्स ये वॉल्यूम का वी वी इंटू एक्स करेंगे तो आपको वी एक्स मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एमएम टू द पावर 4 हो जाएगा, और जो वी वाई है वो भी एमएम टू द पावर 4 में मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और यहां पे कितने सॉलिड्स है, तो यहां पे 2 सॉलिड है, एक कोन और एक सिलेंडर। तो सिलेंडर नंबर में जो है आपको यहां पे 2 नंबर यहां पे लिखना है, ये हम लिख लेंगे 1 और ये 2, और ये दोनों जो सॉलिड है वो हम पहले यहां ड्रॉ कर लेंगे, यहां सिलेंडर और यहां पे कोन। तो ये हमने दोनों सॉलिड्स यहां पे शो किए हैं, पहला सॉलिड है दैट इज सिलेंडर, ये सिलेंडर का बेस डायमीटर हम यहां लिख लेंगे कितना 150 mm, और इसका हाइट हम यहां पे लिख लेंगे कितना 200 mm का इसका हाइट, ये हम यहां शो करेंगे। ये कोन, कोन का बेस डायमीटर 150 mm और इसका हाइट भी 150 mm, इस तरह से ये हमने शो किया है। और अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जैसा हमने कहा था कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फर्स्ट लेक्चर स्टडी करना चाहिए, उसमें आपको सभी फार्मूले मिल जाएंगे। तो वहां पर हमने जो फार्मूला बताए थे वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे। सिलेंडर में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, हम यहां पर फार्मूला लिख के देते हैं, पाई आर क्यूब, देखो हम यहां लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है, और इसमें होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर जो है वो हम यहां कैपिटल में लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये हमने फार्मूला लिखा है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, ये सिलेंडर के लिए और ये कोन के लिए, ठीक है। आर यानी रेडियस, एच माने हाइट, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आप यहां पे यूज करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, सभी का वैल्यू आप यहां पे पुट करो, उसका आर कितना हो जाएगा, देखो इसका डायमीटर है 150 mm, तो इसका रेडियस हो जाएगा 75, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा पाई इंटू 75 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है यहां पे 200, इस तरह से। और यहां पे आपको अगर पुट करना है तो ये 1/3 इंटू ये पाई इंटू आर, आर माने रेडियस, इसका रेडियस फिर से हो जाएगा 75 का स्क्वायर और हाइट माने 150, इस तरह से ये हमने लिख लिए। और जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, देखो जो पहला आंसर है वो आएगा 3.534, हम यहां पे लिख रहे हैं 3.534 इंटू 10^6, यहां पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड का आंसर आएगा 883, हम यहां पर लिख रहे 883.57 इंटू 10^3, ये देखिए ये आंसर आएगा। यहां पे हमने ये जो ब्लू कलर में ये जो लिखा है, हमने फार्मूला लिखा है और वैल्यूज पुटअप किए हैं, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने डायरेक्टली ये आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो हमने आंसर में ये जो लिखा है, ये आंसर वॉल्यूम का, ये आंसर और वॉल्यूम का ये आंसर, आप अगर डायरेक्टली ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ये फार्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और इसमें वैल्यूज पुटअप करना है ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। और ये हमने वॉल्यूम का जो कॉलम है वो हमने यहां कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके बाद है एक्स और वाई। देखो हमें जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते समय आपको एट द लास्ट एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना होता है, क्या एक्स बार वाई बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है वो हम जी से शो करेंगे, और इसका इसके थ्रू हमें एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना है। हमें जो यहां एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना है उसके लिए फार्मूला ऐसा होता है, देखो एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन ऑफ वी एक्स बाय समेशन ऑफ वी, ये फार्मूले से आपको एक्स बार निकालना है, और वाई बार निकालने के लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ वी वाई बाय समेशन ऑफ वी, ऐसा, ठीक है। अब यहां पे देखो समेशन ऑफ वी एक्स एंड समेशन ऑफ वी है, और यहां पे भी है, इसका मतलब ये जो वी एक्स है, यहां पे जो हम वी एक्स फाइंड आउट करने वाले हैं उसका हम यहां पे समेशन कर लेंगे तो हमें समेशन ऑफ वी एक्स यहां पे मिल जाएगा। यहां पे जो वी वाई हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका हम समेशन कर लेंगे तो हमें यहां पे समेशन ऑफ वी वाई मिल जाएगा। और ये जो अभी हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, इसका मतलब जो वी फाइंड आउट किया है इसका समेशन करेंगे हमें तो हमें यहां पर समेशन ऑफ वी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो समेशन ऑफ वी है वो हमें यहां पे डिनोमिनेटर में पुट करना है, ये समेशन ऑफ वी एक्स यहां पुट करना है, ये समेशन ऑफ वी वाई यहां पुट करना है, तब जाके हमें एक्स बार वाई बार मिल जाएगा। वैसे यहां पे एक्स बार जो है वो आपको ये टेबल के थ्रू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे एक्स बार डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू 75, क्या कहा एक्स बार इज इक्वल टू 75। ये जो हमें फाइनल एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना है उसमें से एक्स बार का वैल्यू हमें पहले से ही पता है, एक्स बार का वैल्यू 75 हो जाएगा, कैसे तो ये समझना काफी सिंपल है। देखो यहां पे 2 सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड का जो एक्सिस है वो एक ही है, देखो दोनों सॉलिड का एक्सिस एक ही है, और ये सिमेट्रिकल है, ये इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है,
अगर इसका आरएचएस एलएचएस सेम है तो इसका मतलब यह है दोनों का जो सेंटर है वो एक ही सिंगल एक्सिस के ऊपर रहेगा। क्या कहा? दोनों का जो सेंटर है वो एक ही सिंगल एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का सेंटर यहां कहीं ना कहीं रहेगा एक्सिस के ऊपर। ये देखो, ये हमने सिलेंडर का सेंटर शो किए हैं और ये जो कोन है, कोन का सेंटर यहां कहीं ना कहीं रहेगा। ये देखो, ये हमने शो किया है, ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट और ये कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो एक ही एक्सिस के ऊपर है और एक्सिस हमेशा सेंट्रली होती है। तो अगर ये एक्सिस सेंट्रली है तो इसका बेस डायमीटर है 150 mm, ठीक है। तो उसका हाफ क्या रहेगा? उसका हाफ रहेगा 75 mm। इसका मतलब ये 75 mm है, ये भी 75 mm है, टोटल हो गया 150 mm। तो अगर ये 75 mm है, ये देखो ये 75 mm है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक 75 है, यहां से लेके यहां तक 75 है। इसका मतलब दोनों सॉलिड का जो एक्स है वो सेम रहेगा 75 mm। तो अगर दोनों का एक्स अगर 75 mm है तो फाइनल जो एक्स बार है वो भी 75 mm ही आएगा, ठीक है। चलो अब इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये सब बताने का ये मतलब है कि ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में सभी का एक्स सेम है तो एक्स बार भी वही आएगा, ठीक है। चलो हम आपको यहां पे ये सब कुछ प्रूफ करा के बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब हमें देखो, वॉल्यूम का कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया है और अब है एक्स और वाई। चलो अब एक्स और वाई निकालते हैं। ये जो एक्स और वाई है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट को एक्स और वाई निकालना आता है वो कोई भी टाइप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता है। और ये एक्स और वाई निकालने के लिए हम वही 3 रूल्स का यूज करेंगे जो हमने सेंट्रॉइड के टाइम बताए थे। इसके पहले हमने जो टॉपिक स्टडी किए थे वो था सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बाद ये आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रोइड के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमने 3 रूल्स बताए थे। वो 3 रूल्स आपको फिर से यहां पे रिपीट करना है और एक्स और वाई निकालना है, वही 3 रूल्स। तो चलो यहां पे रूल नंबर 1 हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे, फिर कोन के लिए एक्स और वाई यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सिलेंडर का एक्स और वाई निकालने के लिए वो 3 रूल्स का यूज करेंगे। तो रूल नंबर वन, लोकेट द सेंटर। सबसे पहले आपको सेंटर शो करना है। तो ये देखिए, ये सिलेंडर का सेंटर हमने शो किए। सिलेंडर का सेंटर हमेशा एक्सिस के बीचों बीच होता है। तो ये जो सिलेंडर का एक्सिस है, इसके बीचों बीच हमने ये सेंटर शो किए हैं, ठीक है। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर, वो हमने किए। अब रूल नंबर टू है कि आपको अब सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस यहां पे है और ये वाई एक्सिस यहां पे है। तो यहां तक आपको लाइंस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, हम यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन बना दी एक्स एक्सिस पे और ये हमने दूसरा लाइन बना दिए वाई एक्सिस पे, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ये 2 लाइंस ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ये रूल नंबर 2 को सीरियसली फॉलो करेगा उसका एक्स और वाई कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। रूल नंबर 2 कि आपको सेंटर से इस तरह की 2 लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और अब रूल नंबर थ्री यह है कि जो आपने 2 लाइंस ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स डिस्टेंस और वर्टिकल लाइन यानी वाई डिस्टेंस, ठीक है। बस ये आपको क्या करना है, ये एक्स डिस्टेंस आपको निकाल के यहां लिखना है और ये जो वाई है ये आपको यहां पे लिखना है। अब एक्स और वाई क्या निकलता है, चलो सबसे पहले एक्स की बारी। जैसा हमने कहा था कि ये जो एक्सिस है ये हमेशा सेंट्रली होती है। तो अगर ये सेंट्रली है तो इसका बेस है 150 mm, तो 150 का हाफ कितना, 75। इसका मतलब ये जो है, ये लेंथ 75 है, ठीक है। ये एक्स हमें मिल जाएगा बेस बाय 2 से, बेस बाय 2 यानी 150 बाय 2, तो एक्स हो जाएगा 75, ठीक है। तो हम यहां पे एक्स लिख लेंगे कितना, 75। तो ये हमने यहां लिख लिए 75 mm। mm यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर यहां पे लिखा हुआ है, अंदर में यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने लिख लिए एक्स 75। और अब हमें y चाहिए। तो अगर y फाइंड आउट करना है तो सिलेंडर में जो y है, जो सेंटर है, वो हाइट बाय 2 के डिस्टेंस पर होता है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये हाइट बाय 2 पे है। हाइट क्या है, सिलेंडर का कंप्लीट हाइट है 200। तो हाइट बाय 2 करो, हाइट बाय 2 यानी 200 बाय 2, तो कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ हो जाएगा हाइट बाय 2 से। जस्ट मिनट, हम यहां पे आपको लिख के देते हैं, ठीक है। ये जो y है, ये हम हाइट बाय 2 के फार्मूले से निकाल रहे हैं। हाइट बाय 2 यानी 200 बाय 2, तो वो हो जाएगा 100 mm। तो ये हम यहां लिख लेंगे कितना, 100 mm। ये हमने यहां लिख लिए y, सिलेंडर का x और y हमने
फाइंड आउट कर लिए। देखो हमने सिलेंडर का x 75 निकाले हैं, जब आप कोन के लिए सॉल्व करोगे ना तो कोन के लिए भी x 75 ही आएगा और फिर x बार भी देखना आखिर में 75 ही आएगा। यह हम आपको बार बार इसलिए बता रहे ताकि आपको याद रहे कि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में सभी का x सेम होता है या तो सभी का वाई सेम होता है। तो अगर सभी का एक्स सेम है तो एक्स बार भी वही आएगा और अगर सभी का वाई सेम है तो वाई बार भी जो है वो वही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये सिलेंडर का एक्स और वाई निकाल लिए और अब ये जो वी एक्स वी वाई है ये हम बाद में करेंगे। चलो पहले अब कोन का एक्स और वाई निकालते हैं। तो कोन का एक्स और वाई निकालने के लिए अब आपको कोन में वही 3 रूल्स अप्लाई करना है जो रूल्स हमने यहां पे अप्लाई किए थे। तो रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर, कोन में लोकेट द सेंटर। तो ये देखिए ये कोन है, कोन में आपको सेंटर पहले शो करना है। तो ये देखो हमने सेंटर पे शो किए, हमने यहां पे सेंटर शो किया है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कोन में सेंटर कहां पे होता है, आपको उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा था सिलेंडर का जो सेंटर है वो सिलेंडर के एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के बीचों बीच होता है, एट द सेंटर ऑफ एक्सिस होता है। तो ये हमने शो किए थे, लेकिन कोन में सेंटर नहीं, ऐसा नहीं होता। कोन में जो सेंटर है वो भी एक्सिस के ऊपर होता है, लेकिन वो एक्सिस के बीचों बीच नहीं, वो बेस से थोड़ा सा ऊपर होता है। क्या कहा, कोन में सेंटर एक्सिस के ऊपर बेस से थोड़ा सा ऊपर, कितना ऊपर, तो वो हाइट बाय 4 के डिस्टेंस पर होता है कोन में। याद रखना ये बात, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, हम आपको चाहे तो यहां पे थोड़ा सा लिख के देते हैं कि ये जो कोन होता है, ये देखिए कोन इस तरह से और ये कोन का ये एक्सिस। तो कोन में जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट यानी सेंटर जो है वो यहां पर रहता है, ये है सेंटर और ये हाइट बाय 4 के डिस्टेंस पर होता है। हाइट बाय 4 ये याद रखना है, हाइट यहां पे जो कुछ भी उसका टोटल हाइट रहेगा उसका डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, उतने डिस्टेंस पर सेंटर होता है। तो यहां पे हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये कोन का हमने रूल नंबर 1 लोकेट द सेंटर, तो ये हमने सबसे पहले सेंटर शो किए एक्सिस के ऊपर बेस से थोड़ा सा ऊपर। और अब रूल नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने रूल नंबर 2 यहां पे अप्लाई किए थे बिल्कुल वैसे ही। रूल नंबर 2, अब आपको क्या करना है, ये सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये सेंटर से एक लाइन जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये देखो एक्स एक्सिस यहां नीचे में है, तो आपको यहां से पूरा नीचे तक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है, पूरा नीचे तक, क्योंकि एक्स एक्सिस नीचे में है। तो एक्स एक्सिस अगर नीचे में है तो पूरा नीचे तक ये लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये सेंटर से हम पूरा नीचे तक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऐसा पूरा नीचे तक लाइन गया और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये हम दूसरा लाइन यहां परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बनाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक्स और वाई में गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो रूल नंबर 2 को सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 2 को आपको सीरियसली फॉलो करना है कि सेंटर से आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये देखो पूरा नीचे तक आया, और एक परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और अब इसके बाद रूल नंबर 3 आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 3 ये है कि जो आपने दो लाइंस ड्रॉ किए थे, जस्ट अ मिनट, यहां पे ये थोड़ा सा मिट गया है, हम इसको लगा देते हैं। तो रूल नंबर 3 ये है कि जो आपने दो लाइंस ड्रॉ किए थे उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाए हैं वो है एक्स डिस्टेंस और वर्टिकल लाइन जो बनाया है वो है वाई डिस्टेंस। तो ये है एक्स डिस्टेंस, देखो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये है एक्स डिस्टेंस और ये जो वर्टिकल लाइन आपने बनाया है पूरा इतना, ये है वाई डिस्टेंस। बस ये एक्स और वाई डिस्टेंस अब आपको निकालना है और उसका लेंथ जो भी है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक्स की बारी, तो एक्स जो है वो वही रहेगा जो सिलेंडर के टाइम था। देखो एक्स सिलेंडर के टाइम एक्स क्या था, दैट इज 75 mm, ये देखो हमने फाइंड आउट किया है 75 mm, क्योंकि वो बेस बाय 2 के डिस्टेंस पर है, बेस उसका टोटल 150 mm है, तो 150 by 2 75 mm। तो यहां से ये जो है ये 75 mm था, तो ये भी 75 mm है क्योंकि ये दोनों एक ही एक्सिस पे है, देखो एक ही एक्सिस पे है, तो ये 75 mm है, तो ये भी 75 mm, इसका मतलब कोन का जो एक्स है ये भी 75 mm है। लेकिन वाई, अब हमें y फाइंड आउट करना है, तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंप्लीट अगर आपको y फाइंड आउट करना है तो y कहां से कहां तक है वो पहले आप चेक करो। y का जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके, देखो यहां से लेके पूरा नीचे तक है, यहां से ये सेंटर से लेके या पूरा नीचे तक का लेंथ, तो पूरा नीचे तक आपको पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिलेंडर का हाइट पता है 200 mm, देखो सिलेंडर का हाइट 200 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 200 है, देखो इतना, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर कोन है ना, सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो सिलेंडर का हाइट 200 और उसके ऊपर आपको इतना लेंथ बस आपको निकालना है, देखो इतना सा लेंथ। हम इसको डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि समझ में आए कितना लेंथ आपको एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना है। ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर लिए, ये देखिए ओके, और अब आपको बस इतना सा लेंथ जो है ये निकालना है,
ठीक है। ये देखो हमने इसको डार्क कर लिए, और ये जो हमने लेंथ डार्क किए हैं वो कितना है, तो ये हाइट बाय फोर है, ये डिस्टेंस हाइट बाय फोर है। देखो हमने आपको यहां पे बताए थे कोन में सेंटर बेस से थोड़ा सा ऊपर होता है, कितना ऊपर, हाइट बाय फोर, ये लेंथ ऊपर होता है, तो ये बेस है कोन का, तो ये बेस से ऊपर है, हाइट बाय फोर, ये लेंथ ऊपर है, तो हाइट बाय फोर कर लो, हाइट कितना है 150, तो 150 बाय फोर करो तो क्या आएगा 37.5। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है ये आएगा 37.5। अब आपको क्या करना है, ये 37.5 है हाइट बाय फोर, इसमें बस ये 200 ऐड करना है, तो 37.5 प्लस 200 तो ये हो जाएगा 237.5, तो ये हम यहां लिख लेंगे 237.5। तो फाइनली हमने दोनों का एक्स और वाई यहां पे फाइंड आउट कर लिए। समझ में आया, सबसे पहले तो कोन का वाई समझ में आया कि आपको कोन का वाई सबसे इंपॉर्टेंट था, यहां से यहां तक हाइट बाय फोर प्लस 200, हाइट बाय फोर प्लस 200 किए तो 237.5 आया। इस तरह से ये हमने x और y निकाल लिए। देखो दोनों का x सेम है, तो फाइनल देखना जो हम आगे सॉल्व करेंगे x बार भी वही आएगा। लेकिन अब यहां पे टेबल पहले कंप्लीट कर लेते हैं, x और y तो निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, ये वॉल्यूम यानी v, तो v इंटू x करना है, ठीक है, ये v इंटू x करो, तो यहां पे vx जो भी है वो आपको लिखना है, उसी तरह से ये v इंटू x करो, vx यहां पे लिखना है, फिर ये v इंटू y करो तो vy यहां लिखना है, और फिर ये v इंटू y करो तो इसका vy यहां लिखना है। चलो इसका जो आंसर है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो ये देखिए यहां पे हमने आगे का कैलकुलेशन कर लिया है, जैसा हमने कहा था ये वॉल्यूम का v इंटू x करना है, तो v इंटू x करने पर ये आंसर आएगा, देन v इंटू y करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, यहां पे भी v इंटू x करेंगे तो ये आंसर आएगा, और v इंटू y करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। और फिर इतना होने के बाद आपको जैसा हमने कहा था आपको समीशन करना है, तो समीशन ऑफ वॉल्यूम हम सबसे पहले कर लेंगे, तो ये और ये दोनों को देखो, ये दोनों वॉल्यूम्स को जब आप सम करोगे एड करोगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है, 4.417 इंटू 10 टू द पावर 6, देन ये दोनों वी एक्स को आपको सम करना है, दोनों वी एक्स को सम करने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे हमने लिखा है समेशन ऑफ वी एक्स 331.317 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, और फिर दोनों वी वाई को आपको सम करना है, समेशन करने के बाद ये आंसर आएगा, समेशन ऑफ वी वाई इक्वल्स टू 563.247 इंटू 10 टू द पावर 6। इस तरह से हमने ये पूरा जो टेबल है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब इसके बाद जैसा हमने कहा था इतना होने के बाद आपको x बार y बार फाइंड आउट करना है, x बार y बार जो आपका मिलेगा वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले x बार फाइंड आउट करेंगे, तो फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिए थे, समेशन ऑफ vx बाय समेशन ऑफ v, बस ये समेशन ऑफ vx का जो आंसर है वो हम यहां पुट कर लेंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे, क्या था 331.317 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, ये vx का आंसर हमने यहां लिखे डिनोमिनेटर में, समेशन ऑफ v जो हमने फाइंड आउट किए थे 4.417 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहां पे समेशन ऑफ vy बाय समेशन ऑफ v करेंगे, तो समेशन ऑफ vy ये है, हम यहां लिख लेंगे 563.247 इंटू 10 टू द पावर 6, और डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ v जो है 4.417 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो इसका आंसर आएगा 75, और इसका यूनिट लिखो mm, तो x बार हमने यहां फाइंड आउट कर लिए, 75 mm हमें मिला है x बार, ठीक है। और अब यहां पे y बार फाइंड आउट करेंगे, तो y बार फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है 127.5, हम यहां लिख लेंगे 127.5 mm, ठीक है। तो ये हमने यहां y बार भी फाइंड आउट कर लिए, और अब बस आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इट मींस जो g है जो हमने यहां लिखा है x बार y बार, वो हमें यहां पे मेंशन करना है, देयर फोर सेंटर ऑफ ग्रेविटी g इक्वल्स टू, तो x बार इज 75, हम यहां लिख लेंगे 75, एंड y बार इज द 127.5, इस तरह से हमने ये मेंशन कर लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो बात है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कही थी, वो ये कि दोनों का एक्स अगर सेम है तो एक्स बार भी वही आएगा। देखो दोनों का एक्स सेम था तो एक्स बार भी वही आया, ठीक है। ये बताने का इसलिए हम आपको ये बार बार इसलिए बता रहे, वो इसीलिए क्योंकि
ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में या तो सभी का एक्स सेम होता है या तो सभी का वाई सेम होता है। अगर सभी का एक्स सेम है तो एक्स बार भी वही आएगा, और अगर सभी का वाई सेम है तो वाई बार भी वही आएगा। इसके थ्रू आपको ये समझ में आता है, दोनों का एक्स सेम है तो एक्स बार भी वही आया। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि अगर आपको पता है कि दोनों का एक्स सेम है और एक्स बार भी वही आने वाला है, ऐसे में आप इतना बड़ा ये टेबल शो करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें से दो कॉलम अगर हटाना है तो आप यहां से वो हटा सकते हैं, आपका प्रॉब्लम एग्जाम में जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कौन से दो कॉलम आप यहां से हटा सकते हैं? तो यहां पे आप x का कॉलम, देखो यहां पे आप x का कॉलम यहां से हटा सकते हैं, x का कॉलम यहां से हटा दो और vx का कॉलम भी यहां से हटा दो। ये दोनों कॉलम अगर आप हटा देंगे तो आपका समय बच जाएगा, आपको सिर्फ सीरियल नंबर, सॉलिड वॉल्यूम, y और vy, बस आपको इतने कॉलम शो करना है, आपको x और vx का कॉलम शो नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका समय बच जाएगा, इनके कैलकुलेशन में जो आपका समय जा रहा था वो समय बच जाएगा और आपका प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, जो ये दो कॉलम छोड़ के रिमेनिंग जो कॉलम है वो आपको एज इट इज शो करना है, सॉल्व करना है, और आपको जो है एक्स बार के लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ वाई बार के लिए फिर उसमें कैलकुलेशन करने का रहेगा। ठीक है, एक्स बार के लिए कैलकुलेशन नहीं रहेगा, x बार आप डायरेक्टली लिख लेना कि x बार इज इक्वल टू 75 mm ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा, x बार इज इक्वल टू 75 mm। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो सॉल्व करने के लिए कहा था वो हमने कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।